वन आप लोग की नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। हम कुछ में बात करने वाले हैं इंटर स्कॉलरशिप 2024 के बारे में। आप भी अगर स्कॉलरशिप 2024 में चाहे आप दसवां पास किए होंगे, चाहे आप इंटर पास किए होंगे, चाहे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत जो आप लोग स्कॉलरशिप मिलता है वो अगर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन करना चाहते हो तो जान सकते हैं। इसका आप लोग को लास्ट डेट 15 तक रखा गया था, 15/5/2024 तक इसका आप लोग को लास्ट डेट रखा गया था। लेकिन अभी अभी इसका आप लोग को लास्ट डेट का आप लोग को अपडेट कर दिया गया है। आप लोग कितने अपडेट किया गया और आप लोग कब तक आप लोग आवेदन को कर सकते हैं वो आप लोग को मिस्टर बताने वाले हैं। देखो रिचार्ज करने से आप लोग को रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि पूछ रहे वीडियो बना के आप लोग को बता सके। सबसे पहले जान लीजिए स्कॉलरशिप का, अगर आप लोग ऑनलाइन किए होंगे चाहे वो दसवां वाले होंगे चाहे वो इंटर वाले होंगे, चाहे मेगा वृत्ति योजना के तहत जो SC/ST कास्ट लड़कियां का मिलता है 10+2 में, वो अगर अभी तक ऑनलाइन नहीं किए होंगे तो जान सकते इसका आप लोग को लास्ट डेट 30/5/2024 तक किया गया। जान लीजिए 30/5/2024 तक किया गया है। अगर आप लोग इसका ऑफिशियल पेज पर अगर जाते होंगे तो अभी भी 15/5 आप लोग को शो करा होगा, लेकिन आप लोग को डेट इसका आप लोग को बढ़ गया है। इसका आप लोग को डेट जान लीजिए 30 तक इसका आप लोग को डेट कर दिया गया है, तो आप लोग 30 तक रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे इसका आप लोग को सर्वर अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप लोग को डेट आप लोग को ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, डेट बढ़ जाएगा और फिर से आप लोग को 30 तारीख आप लोग को सोने लगेगा। फिर जान सकते हैं काफ़ी सारे वीडियो देखने के बाद जब आप लोग वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर भी अभी तक 15 ही शो हो रहा है, या आप लोग देखे हुए जब तक आप लोग वीडियो देखे होंगे अगर आप लोग वेबसाइट पर जाते होंगे तो आप लोग को 30 भी आप लोग को सोने लगा होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को डेट आप लोग को बढ़ा दिया गया है इंटर स्कॉलरशिप मैट्रिक स्कॉलरशिप का। इसका आप लोग को डेट जान दीजिए 30 तक रखा गया है। नोटिफिकेशन कैसा लगा, आप लोग 30 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको भी कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा, अगर कुछ भी आप लोग को आधार कार्ड सुधार करना है तो आधार कार्ड सुधार करने के बाद ही आप लोग स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन करना है, नहीं तो आप लोग को डीओ भी मिसमैच होगा और आप लोग ऑनलाइन नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए और आप लोग को फिर से आप लोग को 15 दिन का आप लोग को टाइम दिया गया और आप लोग को डेट बढ़ते रहेगा। 15 के बाद फिर से आप लोग को 15 जब आप लोग को 30 मई हो जाएगा, 30 मई के बाद फिर से आप लोग को 15 फिर जून किया जाएगा, प्रोसेस है मई के बाद जून आप लोग को फिर आप लोग को डेट बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी 30 जो आप लोग को मई है 30 मई तक आप लोग मान कर चलिए और 30 मई से पहले आप लोग आवेदन को कर लीजिए। नोटिफिकेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अभी सब भेजिए।